वेलकम टू स्टडी माई वे 111। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास सिक्स की सिक्स की हिस्ट्री का चैप्टर एट करेंगे, वाइटर विलेज एंड द थ्राइविंग टाउन्स, इसका पार्ट सेकेंड। अब हमने इसका पहले बहुत सारा कार्ट को कवर कर चुके हैं। अब आज करेंगे हम द स्टोरी ऑफ द बैरी गाजा। दो कहानी किसकी? बैरी गाजा की। द ग्रीक नेम ऑफ द ब्रूच, और जिसका ग्रीक नाम ब्रूच है। द गल्प इज़ द वेरी नैरो इन द बैरी गाजा एंड द वेरी हार्ड टू नेविगेट टू दोज द कमिंग फ्रॉम द सी। ये कह रहे हैं कि जो भी इसका बैरी गाजा का कि जो खाड़ी है वो काफ़ी संकरी है या काफ़ी पतली है, और काफ़ी मुश्किल होता है कि जो भी सी से यात्री आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है आने में। शिप हैड टू बी स्टेयर बाई द स्किलफुल एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन वो वर एम्प्लॉय बाय द किंग। कि जो सिप को स्टीयर्स का मतलब क्या होता है, उसको कंट्रोल किया जाता था काफ़ी कुशल और एक्सपीरियंस फिशरमैन के द्वारा, लेकिन जिसको कौन अपॉइंट करते थे? राजा अपॉइंट्स करते थे। द इम्पोर्ट इन टू द बैरी गाजा वर वाइंस, जो इम्पोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था किस में? बैरी गाजा में। वहाँ पर होता था वाइन, शराब, कॉपर, तांबा, टीन, लीड, कोराल, ठीक है, टोपाज, क्लोथ, कपड़े, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडिंग, और एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती थी? एक्सपोर्ट होती थी जिसमें हमारे हिमालय के प्लांट्स होते थे, आवरी होते थे, आवरी का मतलब हाथी के दांत, एगेट्स का मतलब होता है पत्थर, और कार्निवेलियंस भी पत्थर है, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम इत्र। स्पेशल गिफ्ट वर इन द बोट बाय द मर्चेंट फ्रॉम द किंग। क्या है कि बहुत स्पेशल विशेष रूप से जो गिफ्ट आते थे, उपहार लाए जाते थे मर्चेंट के द्वारा, राजा के द्वारा। दिस इंक्लूडेड इन द वैशल ऑफ सिल्वर, जो भी इसमें गिफ्ट्स होते थे उसमें चांदी के बर्तन होते थे बड़े बड़े, और सिंगिंग बॉयज होते थे मतलब गाने वाले लड़के होते थे, ब्यूटीफुल मैन होते थे, सुंदर औरतें होती थी, एंड द फाइन द वाइन्स एंड द फाइन क्लोथ, और अच्छे अच्छे शराबे और अच्छे अच्छे कपड़े होते थे। मेक ए लिस्ट ऑल द थिंग्स इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द बैरी गाजा। आपको एक लिस्ट बनानी है जो आयात होते थे और निर्यात होते थे बैरी गाजा से। अंडरलाइन एट लिस्ट द टू थिंग्स That were not in the use during the Harappan times. आप बताइए कि इसमें दो चीज़ें कौन सी थी जो हड़प्पन टाइम्स में यूज़ नहीं होती थी। Why do things the merchant bought the gift for king? वो राजा के लिए गिफ्ट्स क्यों लाते थे मर्चेंट? ताकि वो खुश हो और राजा उनको क्या करे, सहारे और उनको अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए अपॉइंट्स करें, ठीक है। तो हमारा जो हड़प्पन में हमारा वाइन्स नहीं आता था, और लीड्स भी नहीं आते थे मोस्टली, और टोपाज भी नहीं आते थे। अब आगे देखते हैं हम कॉइन्स। कॉइन का मतलब होगा तो सिक्के। यू मे हैव द नोटिस की हाउ द वेल्थ इज द मेजर इन द टर्म ऑफ द कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ द पेज 82। अब ये जो भी वेल्थ होती थी, संपत्ति होती, किसकी मेजर, किससे मेजर किया, किससे नापा जाता था? सिक्कों से नापा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फाउंड द सर्वल थाउजेंड ऑफ द कॉइन्स बिलोंगिंग टू द दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको क्या मिला है, बहुत सारे सिक्के मिले हैं जो इस पीरियड से, इस समय से वो संबंध रखते थे। द अर्लीस्ट द कॉइन विच वर इज द यूज फॉर अबाउट द 500 ईयर एगो, और जो पहले जो सिक्के मिले हुए हैं वो मिले हैं कि ताकि वो 500 साल पहले यूज किए गए हों। वर पंच मार्क कॉइन, जिसको पंच मार्क कॉइन्स बोलते थे। सच एज इन द सोनेस बिलो, जो ये इस तरह से आपको दिखाया गया है, तो इस तरह के सिक्के हमको मिले हैं। अब ये है पंच, अब इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। पंच मार्क कॉइन्स, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। पंच मार्क्स कॉइन, पंच मार्क्स द कॉइन वर इन द जनरली ए रेक्टेंगुलर और द ए समटाइम द स्क्वायर और द राउंड इन द सेप। कि जो भी पंच मार्क्स कॉइन्स होते थे, कभी कभी तो आपको रेक्टेंगुलर ऐसे चकोर शेप में मिलेंगे, ठीक, इस तरह के शेप में मिलेंगे, कभी कभी आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलेंगे, या आपको कभी वो राउंड में मिलेंगे। ईदर द कट आउट इन द मेटल शीट, या तो उनको कभी मेटल शीट्स को काट कर बनाया जाता था, या मेड आउट इन द फ्लैटन मेटल ए
ग्लोबल्स, या एक छोटा सा क्या करते थे कि जो मैट होते थे उस फ्लैट मेटल से, उसको छोटे छोटे किसमें गोल गोल बॉडी में बनाया जाता था। तो कॉइन वर नोट इंस्क्राइबी, जो कॉइन्स होते थे इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बट वर इन द स्टैम्प्स विद द सिंबल यूजिंग द डाई एंड द पंच। लेकिन उसके ऊपर एक स्टैम्प लगी होती थी, डाई लगी होती थी और वो पंच होता था, कुछ सिंबल बना होता था। हैंज द दे आर कॉल्ड द पंच मार्क कॉइन्स, इसलिए इनको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता है। दिस कॉइन आर द फाउंड ओवर द मोस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और जो इस तरह के जो कॉइन्स मिले इस सब कॉन्टिनेंट में आपको बहुत सारे एविडेंस मिले हैं चीज़ के। एंड द रिमेन इन द सर्कुलेशन टिल द अर्ली द सेंचुरी इन द सी कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब ईसा मसीह के जो पहले है, इन तरह के पंच कार्ड्स का यूज होता था। अब आगे अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अब एक्सचेंज का क्या मतलब होता था। रीड इन द शॉर्ट द पोइम फ्रॉम द ए संगम कलेक्शन, आपने संगम कलेक्शन की छोटी सी स्टोरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एज इन द कैरी द वाइट पैडी ऑफ द देयर लैंड, ये कह रहा है कि जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के जो पैडी है, चावल है, वो इस लैंड से लाए जा रहे थे। टू एक्सचेंज इट फ्रॉम द साल्ट ऑफ द अनादर, किसको एक्सचेंज करने के लिए, ताकि हम उस पैडी के बदले साल्ट ले सकें। मतलब पहले क्या था, पहले तो थिंग्स का एक्सचेंज था, पहले ऐसे कोई चीज़ नहीं थी कि हम कोई मनी में कोई चीज़ें मेज़र करें। तो इसलिए क्या हो रहा था कि बहुत सारे वाइट वाइट कलर के आपको पैडी चावल ले जा रहे थे अपने लैंड से, और उसको साल्ट से एक्सचेंज किया जा रहा था। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन द कार्ट, और जो वे सामान लाते थे, जो पैडी लाते थे, वो कार्ट की गाड़ियों के द्वारा लाते थे, और उनको बहुत लंबे लंबे रोडों को क्रॉस करना होता था। थ्रू द सैंड वाइल एज द मूनलाइट, और किसके द्वारा गुजरना पड़ता था उनको, रेत के द्वारा, जो आपको वाइट कलर की नजर आती है और ऐसी चमकती नजर आती है जैसे कि उस पर चंद्रमा की लाइट गिर रही हो। टेकिंग इन द होल फैमिली, वो क्या करते थे, अपने पूरी फैमिली को लेके जाते थे। वो हैड टू बी लेफ्ट बिहाइंड इट, और वो नहीं चाहते थे, वो पसंद नहीं करते थे कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दे। द ए डिपार्चर ऑफ द साल्ट मर्चेंट द लिव द सिटी द एम्प्टी, जो डिपार्चर्स होते थे, जो साल्ट को छाट के जो मर्चेंट्स होते थे, जब वो चले जाते थे तो पूरा शहर क्या हो जाता था, खाली हो जाता था। साल्ट वॉज इन द प्रोड्यूस पेंटली फुल अलोंग द सी कोस्ट, और जो नमक होता था वो सबसे ज़्यादा मात्रा में सी कोस्ट, सी के पास या सी के कोस्ट एरिया में वो आपको मिलता था, का प्रोड्यूस होता था। व्हाट आर द मर्चेंट प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विद, क्यों मर्चेंट प्लानिंग करते थे ताकि वो अपनी चीज़ को एक्सचेंज कर सके, क्योंकि क्योंकि उन्हें जो यदि सपोज पैटी, लेकिन उनको साल्ट चाहिए, तो क्या करेगी, इसलिए उसको अपनी पैटी को सेल करना होता था और उसके बदले उनको साल्ट लेना होता था। हाउ आर दे ट्रेवलिंग, वो किस तरह से ट्रैवल करते थे, वो कार्ट के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा ट्रैवल करते थे। सिटीज़ विद द मैनी फंक्शन, और जो भी शहर है उसके बहुत सारे कार्यों के साथ, देखते हैं क्या क्या कार्य थे उनके। वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वॉज द इम्पोर्टेंट फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन, आप अक्सर पता है कि एक जो सिंगल शहर होता था वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था अपने अलग अलग तरह से कारणों से। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ ए मथुरा, और हम देख सकते हैं एग्जाम्पल मथुरा। मथुरा कहाँ पर पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता था, टाउन परिषद माना जाता था। मथुरा हैज़ बिन द इम्पोर्टेंट द सेटलमेंट फॉर द मोर देन 2500 ईयर को, जो मथुरा था वो सबसे महत्वपूर्ण रहने की जगह थी 2500 साल पहले, या 2500 साल पहले से भी ज़्यादा। इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ द टू मेजर रूट ऑफ द ट्रेवल एंड ट्रेड, ये इसलिए महसूस करता, इसीलिए वो प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ पर दो रोड क्रॉस करते थे जो ट्रेवल आने जाने के लिए और व्यापार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, एक तो रास्ता जाता था ताकि वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक जाता था, और दूसरा नॉर्थ से साउथ में जाता था। मतलब ये आपको है, ये वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट है इस टाइप से, एक इस टाइप से जाता था, और एक ऐसे जाता नॉर्थ से लेके इस तरह साउथ तक जाता था। देयर वर इन द ए फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, जो भी ये मथुरा का जो शहर था वो सारे किलों से घिरा हुआ था। एंड सरल ए साइंस, और किसके द्वारा, सरल साइंस बहुत सारे मंदिरों में, मंदिरों से। फार्मर एंड द हर्डर फ्रॉम द एडजोइंग द एरिया, जो फार्मर होते, किसान होते थे और चरवाहे होते थे, वो क्या करते थे, इन शहरों को जोड़ते चले जाते थे। प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, और जो वहाँ के रहने वाले थे मथुरा के लोगों को, वहाँ को फूड प्रोवाइड करते थे। मथुरा वाज आल्सो ए सेंटर वेयर द सम एक्सट्रीमली फाइन द स्कल्पचर एंड पार्ट द प्रोड्यूस, मथुरा क्या था, एक महत्वपूर्ण
केंद्र था जहाँ पर अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, प्रोड्यूस की जाती थी। अराउंड 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले मथुरा बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द ए कुशानास। और किसकी सेकेंड कैपिटल बनी? दूसरी कैपिटल बनी थी कुशानास की। अबाउट द वूम यू विल रीड रीडिंग इन द चैप्टर 9, जो हम आगे चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। मथुरा वाज आल्सो ए रिलीजियस सेंटर, मथुरा क्या तो एक धार्मिक सेंटर था, केंद्र था। देयर वाज इन द बौद्धिस्ट ए मोनेस्ट्रीज, जैन साइंस, जहाँ पर क्या होते बौद्धिस्ट के मोनेस्ट्रीज थे और जैन के मंदिर थे। एंड इट वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द वर्शिप ऑफ कृष्णा, और ये सबसे महत्वपूर्ण सेंटर बना जहाँ पर कृष्ण भगवान की पूजा होती थी मथुरा में। सर्वल इंस्क्रिप्शन ऑन द सर्फेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टेटस हैव इन द फाउंटेन मथुरा, आपको बहुत सारे लेख मिल जाएंगे स्टोन या स्लैब के पत्थर पर स्टेटस पे, जो उसमें आपको लिखा मिलेगा हैव बीन द फाउंटेन मथुरा, जो आपको मथुरा में मिलेगा, मतलब पत्थर पर लिखे हुए बहुत सारे इंस्क्रिप्शन या लेख। जनरली दीज आर इन द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, जन यहाँ पर मुश्किल मतलब क्या होता था, बहुत ही छोटे लेख मिलते हैं। रिकॉर्डिंग द गिफ्ट मेड बाय द मैन, कि जो भी गिफ्ट लाए जाते थे लोगों के द्वारा, आल्सो सम टाइम वुमेन, और कुछ टाइम औरतों के द्वारा, टू द मोनेस्ट्रीज एंड द साइन, जो मठों में और मंदिरों में दान किए जाते थे, वो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं आपको शॉर्ट। दिस वरिन था मेड बाय द किंग एंड द क्वीन, और ये किसके द्वारा बनाए जाते थे, राजा रानियों के द्वारा बनाए जाते थे, ऑफिसर्स के द्वारा बनाए जाते थे, व्यापारी के मर्चेंट्स के द्वारा बनाए जाते थे। एंड द क्राफ्ट पर्सन वूल इंडस्ट्री, और जो भी हाथ से काम करने वाले होते थे उस शहर में, उनके द्वारा बनाए जाते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा मैंसन इन द ग्लासमिथ, कि जो भी इंस्क्रिप्शन है मथुरा में, वो किस चीज़ के क्या क्या चीज़ मैंशन करती है, वो गोल्ड स्मिथ सुनार को, ब्लैक स्मिथ लोहार को, बुनकर को, एंड बास्केट मार्कर को, ठीक है, जो बनाने वाले थे मेकर्स को, गार्लैंड मेकर एंड द परफ्यूम, इन सब का क्या इंस्क्रिप्शन मिलती है, उसमें सब की चीज़ सब लोगों को मेंशन किया गया है। मेक लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल होली मथुरा, आप बता सकते हैं कि इनका व्यवसाय क्या था जो मथुरा में लोग रहते थे। कोई ब्लैक स्मिथ थे, कोई वेवर्स थे, बास्केट मेकर्स थे, मोतियों की माला बनाने वाले थे, क्लॉथलैंड्स थे, परफ्यूमर्स थे, तो बहुत सारे थे। लिस्ट एंड वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस इन हड़प्पन सिटी, आप वो लिस्ट बता सकते हो जो आपको हड़प्पन सिटीज में आपको नहीं मिली है, ठीक है। अब आगे देखिए, क्राफ्ट एंड द क्राफ्ट पर्सनस, वी आल्सो हैव आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर द क्राफ्ट, हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एविडेंस मिले हैं उनको क्राफ्ट के लिए, मतलब जो भी हाथ से काम किया जाता था। दिस इंक्लूड एस्टिमेटली फाइन द पोट्रीज, कि वो क्या था, बहुत अच्छे अच्छे बर्तन से बनाते थे, नोन एज इन द नर्दन ब्लैक पॉलिश वेयर्स, इसको बोलते हैं नर्दन ब्लैक पॉलिश वेयर्स। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज जनरली फाउंड इन द ए नर्दन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये नॉर्थन नॉर्थ के पार्ट में सब कॉन्टिनेंट्स में मिलता है, इसलिए इसको किसके नाम से जाना था, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर द मैनी क्राफ्ट, आपको याद है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं बहुत सारे क्राफ्ट के लिए, मे नॉट हैव द सर्वाइव, लेकिन वो अब बचे नहीं हैं जो भी उन क्राफ्ट के द्वारा बनाए गए थे। वी नो दैट द टैक्सेस That was in the manufacture of the cloth was the important, हम जानते हैं कि बहुत सारे taxes होते हैं जो, और जिससे relation होता था कि कपड़े किस तरह से कपड़ों का बनाए जाना बहुत ज़्यादा importance था। There was in the famous center such as the Varanasi in the north, और ये सबसे famous केंद्र है जिसे हम वाराणसी कहते हैं जो north में, मदुराई इन द साउथ जो तमिलनाडु में, मदुराईज बोथ द मैन एंड वुमेन वर्क इन द दिस सेंटर, जो जहाँ पर आदमी और औरतें दोनों ही काम करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड द मर्चेंट नाउ इन द फ्रॉम एसोसिएशन, कि बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सनस थे और जो व्यापारी थे वो किस फॉर्म में बनाए गए थे, एसोसिएशन फॉर्म में बनाए गए थे, नोन एज द श्रेणीज, इसको क्या बोलते हैं श्रेणीज। दिस श्रेणीज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड द ट्रेनिंग, ये जो श्रेणी थी क्राफ्ट पर्सन की, ये क्या क्या प्रोवाइड करती थी, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी ताकि वो अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। तो एसोसिएशन बनाया गया था क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स का, ताकि वहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा सके।
प्रोड्यूस द लॉ मेटेरियल, उनको प्रोड्यूस किया जाता था रॉ मेटेरियल एंड द ए डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फिनिश गुड, मतलब उनको क्या किया जाता था, लोगों को रॉ मेटेरियल दिया जाता था ताकि वो उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके। द श्रेणीज ऑफ द मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और जो श्रेणीज होती थी, जो मर्चेंट होते थे श्रेणीज के, वो क्या करते थे, व्यापार को भी ऑर्गेनाइज करते थे। श्रेणीज आल्सो इन द सर्व एज द बैंक, और जो श्रेणीज थी, जो एसोसिएशन बनाए गए थे, बैंक के रूप में भी काम करते, बैंक के सर्विस भी प्रोवाइड करते थे लोगों को। फॉर रिच मैन एंड द वुमेन डिपॉजिट द मनी, जहाँ पर अमीर आदमी औरतें और क्या नाम अपनी मनी को डिपॉजिट कर सकें। दिस वॉज द इन्वेस्टेड, जिसको इन्वेस्टेड बोला जाता है, एंड द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज द रिटर्न टू यूज सपोर्ट द रिलीजन इंस्टीट्यूट सच एज मोनेस्ट्रीज, और जो भी रिटर्न मिलता था वो बदले में जो मिलता था वो किसके लिए यूज़ किया जाता था, ताकि वो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके या मठों को प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि जो हमारे पास जो पैसे बच जाते थे वो क्या करते थे, हम उनको उसमें लगाते थे, बैंकों में जमा करते थे, और जो इंटरेस्ट आता था वो इनको मोनेस्ट्रीज वगैरह के लिए, उनको रख रखाव के लिए यूज किया जाता। रूल ऑफ द स्पिनिंग एंड द वीविंग, क्या क्या नियम थे आपके बुनने के, मतलब स्पिनिंग के, बुनने के और वीविंग एंड द, अब हमें रूल देखना, रूल्स ऑफ द स्पिनिंग और द वीविंग, जो भी नियम्स बनाए गए थे इस सिटीज के द्वारा, तो वो क्या थे, स्पिनिंग का मतलब कातना और वीविंग का मतलब बुनना किसी भी चीज़ को। दिस रूल एज द फ्रॉम फॉर ए अश्वशास्त्र, हमें जो नियम बनाए गए हैं वो हमें अर्थशास्त्र से मिलते हैं। मैसन चैप्टर 7 दे डिस्क्राइब कि हाउ स्पिनिंग एंड द वीविंग कुड बी डन इन द वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पेशल ऑफिसर, कि जो भी काम होते थे बुनने का और कातने का वो क्या होता था, वर्कशॉप में होता था और सुपरवाइजर के द्वारा, स्पेशल ऑफिसर के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता था। विडो की जो विधवा होती थी, विडो यंग वुमेन वो वर डिफरेंटली एप्पल्स, कि जो भी विडो होती थी या दूसरी जो औरतें होती थी जो अलग तरह से एप्पल्स होती थी, नन्स होते थे, मदर्स होती थी, ठीक है, एक कुशंस होती थी, वैश्यस होती थी, रिटायर मैन होती थी, सर्वेंट ऑफ द किंग, और जो किसकी होती थी, क्या नाम, राज्य की नौकर होती थी, वुमेन हु हैव द रिटायर फ्रॉम द सर्विस इन टेम्पल्स, या जिन लोगों को रिटायर कर दिया जाता था उसकी टेम्पल की सेवाओं से, मे हैव यूज फॉर द प्रोसेसिंग द वूल, उनको किस काम पर रखा जाता था, ताकि वो ऊनों को प्रोसेस कर सकें, कामों में रखा जाता था, बार्क्स कॉटन्स एंड द हैम्प एंड द फ्लैश, तो इन औरतों को क्या किया जाता था, ताकि उस काम पे लगाया जाता था, ताकि वो ऊन को निकालने के लिए, जैसे कपास से ऊन निकल रहा है तो उसके प्रोड्यूस कर सके, बार्क पेड़ से छाल निकाला जा सके, या कॉटन के काम में, हैम्प्स भांग के काम में, या सन के काम आदि को काम में लगाया जाता था इन औरतों को। दे सूट बी द पेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वर्क, और इन सबको क्या किया जाता था, कुछ वेतन दिया जाता था, वो जिस तरह का काम करते थे उसकी क्वालिटी के अनुसार और उनकी क्वांटिटी कितना काम उन्होंने किया है। वुमेन वो आर नॉट द परमिटेड टू लिव देयर होम्स, जो भी औरतें होती थी और जिनको घरों से मतलब परमिशन नहीं होती ताकि वो घर से निकले, कैन सेंड इन द मेट, वे क्या करते थे, अपनी नौकरानी को भेजती थी टू ब्रिंग द रॉ मेटेरियल, ताकि वो कच्चा माल को ला जा सके फ्रॉम द ए सुपरिनटेंडेंट्स, किससे, सुपरिनटेंडेंट से, एंड टेक इन द फिनिश गुड बैक टू हिम, और उसे क्या करते थे, वे उनको काम, उनको तो अपना जो बनाते थे फिनिश गुड उनको दे देते थे। वुमेन वो कैन द विजिट द वर्कशॉप, जो भी औरतें होती थी जो वर्कशॉप में विजिट कर सकती थी, जा सकती थी, सूट को एट द ड्रोन टू गिवन इन द देयर, उनको अपना सारा काम ले जाना होता था, एंड रिसीव देयर वेज, तभी उनको क्या मिलता था, मजदूरी मिलती थी, और उनको क्या होता था कि रात होने से पहले ही उनको वो काम करना होता था। देयर शुड बी इनफ लाइट टू बी एग्जाम ऑफ द वर्क, क्या क्या होता था कि उनको सूर्य छिपने से पहले उनको काम वर्कशॉप तक पहुँचाना होता था, ताकि उनके काम का एग्जामिन किया जा सके। इन द केस ऑफ द ए सुपरिंटेंडेंट्स लुक एट द वुमेन, कि जब जिस केस में सुपरिंटेंडेंट लुक एट द वुमेन एंड द टॉक अबाउट इन द एनीथिंग अदर देन द वर्क, इट शुड बी द फिनिश्ड, कि सुपरिंटेंडेंट्स क्या होते थे कि जो भी रख रखाव करते थे, जो भी काम करती औरतें, और यदि उनको मिल जाए कि ये औरतें काम कर रही है या किसी तरह से और कुछ काम में बिजी है, तो उनको पनिश भी किया जाता था। इफ़ द वुमेन डज नॉट कम्प्लीट देयर
हर बार यदि कोई भी औरत अपना काम को पूरी तरह से नहीं कर पाती थी, फिनिश नहीं करने पाती थी, दे विल हैव टू पे फाइन, उनको फाइन देना होता था एंड हर द थंब कैन बी कट ऑफ, और कभी कभी तो उनको उनके अंगूठे भी काट लिए जाते थे, बड़ा पनिशमेंट किया जाता था। मेक द लिस्ट ऑफ द ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉय बाय द सुपरिंटेंडेंट, एक लिस्ट बनाओ कि जो औरतें होती थी कि किस तरह से वे काम में निवर्त रहती थी किसके सुपरिंटेंडेंट के ऑब्जर्वेशन में। डू यू थिंक द वुमेन वुड हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम फाइल द वर्किंग, और क्या आप सोच सकते हैं कि औरतों को कितनी मुसीबतें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वो काम करती हैं। ए क्लोजर बुक ऑफ द एरिका मेंडू। अब एरिका मेंडू एक इसके बारे में देखना है, फाइंड द एरिका मेंडू इन द पुदुचेरी, ये क्या है पुदुचेरी के पास है ठीक है जहाँ पे गोवा है, एंड इन द रीड इन द बुक्स ऑफ द रोम, और जिसके बारे में हम बुक्स में रोम के बारे में पढ़ चुके 88 में, बिटवीन द 2200 एंड द 1300 एडा, किसके बीच में काम था ये 2200 से लेके 1000 के बीच में। एरिका मेडू वाज इन द कोस्टल सेटलमेंट वर इन द शिप, जो एरिका मेडू था वो एक कोस्टल क्या नाम जगह थी जहाँ पर लोग रहते थे और जहाँ पर जो शिप होता था उसको उसका माल अनलोड किया जाता था फ्रॉम द डिस्टेंट एंड, जो दूर दूर से शिप आते थे वहाँ से क्या किया जाता था उनके माल को अनलोड किया जाता था। ए मैसिव ब्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही बड़ी बड़ी ईंटों से बना गया था, विच मे हैव इन द वेयर हाउस, जहाँ पर कुछ वेयर हाउस थे वाज द फाउंड साइड, कहाँ पे साइड पर। अदर फाइंड इंक्लूड इन द पोएट्री फ्रॉम ए मेरिडियन रीजन, और बहुत सारे आपको पोएट्रीज भी मिल जाएगी, बहुत सारे ठीक है आपको ऐसे बर्तन मिल जाएंगे जो आपको मेरिडियन रीजन से बिलोंग करते हैं, सच ए एम्फोरा कि जिसको बोलते हैं कि एम्फोरा थे बड़े बड़े जो कहते हैं ना बर्तन थे एम्फोरा, टार डबल इन द हैंडल जार, जो बड़े बड़े जार होते थे, एंड द कंटेन द लिक्विड सच एज द वाइन सैंवोली, जिसमें क्या भरा होता था कि हम कुछ लिक्विड भर सकते थे या हम उसमें शराब भर सकते थे या आप उसमें कुछ तेल की चीज़ें भर सकते थे, एंड स्टेम द रेड इन द ग्रेज पोटरी, और उनको लाल रंग की चमक वाले उससे ग्रेज किया जाता स्टैम्पेड किया जाता था, नोन एज ए एरेंटाइन वेयर, जिसको एरेंटाइन वेयर किया जाता था ठीक हो, जिसको रेड चमकीली पॉलिश लगाई जाती थी उस पर ठीक है। विच वॉज द नेम आफ्टर द सिटी ऑफ इटाली, जिसको इटली की सिटी के नाम से का नाम रखा गया है। दिस वॉज मेड बाई द प्रेसिंग द वेट क्ले इन टू द स्टैम्प मोड्स, इसको क्या बनाया जाता था कि जो गीली मिट्टी होती थी उसको दबाकर स्टैम्प की फॉर्म में उसको कवर किया जाता था। देयर वॉज इन द येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी, और दूसरे तरह के भी आपको बर्तन मिल जाएंगे, विच वॉज इन द मेड क्लोकली, जो वहीं आसपास में मिल जाते थे बनते थे। थ्रू द रोमन डिज़ाइन वर यूज, उसमें रोमन डिज़ाइन को यूज किया गया, रोमन द लैम्प्स, जिसमें बहुत सारे आपको रोमन लैम्प मिल जाएंगे, ग्लासवेयर मिल जाएंगे, कांच के बर्तन मिल जाएंगे, या आपको जेम्स मिल जाएंगे आल्सो फाउंड इन द साइड, इस साइड्स में हमको बहुत सारी चीज़ें लोकलिटी मिल जाएगी। स्मॉल टैंक हैव बीन द फाउंड देयर विद द प्रोबेबली इन द डाइंग वर्स, आपको छोटे छोटे टैंक मिल जाएंगे ठीक है, जिसमें शायद आप बहुत सारे डाइंग वर्स होंगे जो मतलब कपड़ों को रंगने के लिए वो यूज किए जाते थे, यूज बाय ड्राई क्लोथ, जो कपड़ों को ड्राई करने के लिए। देयर वॉज इन द प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑफ द मेकिंग ऑफ द ब्रीड, और बहुत सारे आपको ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बीट या मोतियाँ बनाए जाते थे फ्रॉम द सेमी प्रेसिस स्टोन ग्लास, जहाँ पर बहुत कीमती बीट्स बनाए जाते थे बहुत कीमती पत्थर से या कांचों से। इसमें यह है कि एक ये है तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, इसमें इस तरह से लिखा गया है सर्वल पीस ऑफ द पोएट्री हैव इंस्क्रिप्शन द ब्राह्मी, की जो भी बहुत सारे पोस्ट्री मतलब पोएट्रीज होती थी उसमें ब्राह्मी लैंग्वेज से उनको इंस्क्रिप्ट लिखाई होती थी, विच वॉज यूज टू राइट द तमिल, और जिसको तमिल में लिखा जाता था। अब एल्सवेयर फाइंड द रोम इन द मैप सिक्स, आपको मैप सिक्स में रोम को ढूंढना है। दिस वॉज द वन ओल्डेस्ट सिटी इन द यूरोप, जो सबसे पुरानी सिटी है यूरोप की, एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम ऑफ द सिटीज इन द गंगा वैली, जब गंगा वैली बनी थी उसके अराउंड फिगर में इसका डेवलप हुआ है। रोम वॉज इन द कैपिटल ऑफ वन लार्जेस्ट एम्पायर, की जो रोम की जो राजधानी थी वो सबसे बड़े एम्पायर साम्राज्य की थी ठीक है। यूरोप वन द स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, ये कहाँ पर फैली थी यूरोप में फैली थी, नॉर्थ अफ्रीका में थी, वेस्ट एशिया में थी, और अगस्तक्स थी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर, जो अगस्तक्स था वो इसका सबसे महत्वपूर्ण एम्पायर राजा था। वो रूल अबाउट इन द 2000 AD, जो 2000 साल पहले क्या किया गया था वो राजा राज्य कर रहा था।
सेड दैट इन द फाउंड द रोम सिटी ऑफ द ब्रिक, जो रोम सिटी के बारे में कहें तो आपको यहाँ पे ब्रिक की बनी हुई सिटी मिलेगी एंड द मेड इट इन टू द सिटी ऑफ मार्बल, और कहीं पर तो ये क्या होता है जो सिटी आपको मार्बल की भी बनी मिलेगी। ही इज लेटर द रूलर इन द बिल्ड टेम्पल एंड प्लेसेस, और जो उसके बाद में रूलर हुए अगस्तक्स के तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों महलों को बनाया। दे आल्सो बिल्ड द ह्यूज एम्फीथिएटर, उन्होंने क्या बनाया बहुत बड़े बड़े एम्फीथिएटर्स को। अब बहुत सारे एम्फी थिएटर्स का मतलब क्या होता है, एम्फी थिएटर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे अखाड़े होते हैं ना, बड़े बड़े चीज़ें। ओपन ओपन एरिनाज द सराउंडिंग बाय द टीयर्स ऑफ दैट इज, जो भी जो फील्ड बनाए गए थे एरिनाज का मतलब जो फील्ड्स होते हैं वो घिरे होते थे टीयर्स ऑफ सीट, मतलब क्या होते जो जो ऐसे सीट्स होते हैं ना ये बैठने वाले, इस तरह से घिरे होते थे सीढ़ियों से। वेयर द सिटीजन कुड वॉच ऑल द काइंड ऑफ द शो, ताकि जो इन अखाड़ों में जो भी शो होते थे ताकि लोग आसानी से उन सीटों पर बैठ कर उनको देख सकें। पब्लिक द बाथ, और वहाँ पर कुछ पब्लिक के बाथरूम भी बनाए गए थे विद द सेपरेट टाइमिंग फ्रॉम द मैन वुमैन, और जिस और जो पब्लिक जो बाथ से वो वुमैन और मैंस के लिए दोनों के अलग अलग थे। वेयर द पीपल मेट एट द रिलैक्स, जहाँ पर लोग क्या करते थे वहाँ पर लोग आपस में मिलते थे और आराम करते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स, बहुत सारे ह्यूज एक्वेडक्ट्स बनाए गए हैं जल सेतु, ठीक जिसको बोलते हैं जल, जहाँ पे जल को कलेक्ट किया जाता था। चैनल टू सप्लाई द वाटर, देखो ये है ना बहुत सारे तो यहाँ पे ये बनाए गए थे एक्वेडक्ट्स, बड़े बड़े जल सेतु बनाए गए थे। चैनल टू सप्लाई द वाटर, जहाँ से आपको पानी सप्लाई किया जा सके। एंड द वर्ल्ड बिल्ट टू ब्रिंग द वाटर सिटी, और जहाँ से पानी को सप्लाई किया जा सके और सिटी में लाया जा सके। फॉर द बाथ एंड फाउंटेन्स एंड द टॉयलेट्स, और किसके लिए, ताकि लोग स्नान कर सके। फाउंडेट्स का मतलब होता है कि फवारे होते हैं उनको यूज़ कर सके एंड टॉयलेट्स के लिए यूज कर सके। वाई डू थिंक्स द एम्फी थिएटर एंड एक्वेटक हैव सर्वाइव, क्या आप सोच सकते हो कि एम्फी थिएटर एक्वेटक अब सर्वाइव है, हुआ है, मतलब सर्वाइव है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये चैप्टर क्लोज हो गया, आपको अगले चैप्टर से मिलते हैं। हमारी ज्योग्राफी की भी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी है, उसके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, ठीक है। साइंस की भी चल रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी मैथ की भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।